तो ये फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है 1.4। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। तो कैसे करना अपनी टेंस, ये है सेवन, ठीक है ना। टेंस वाला है, देखना या ध्यान से। टेंस पे पहले आप टिक लगा दो और एक टेंस के पहले वाले पे टिक लगा दो, ठीक है। लग गया बता। जब आपने टेंस का करना है तो टेंस पे टिक लगाओ। चलो टेंस के, टेंस पे टिक लगा दो जिस पे आपने करना है ना। जैसे यहां पे नीचे टेंस वाला है जीरो, इस पे टिक लगा दो। उसके नीचे सिक्स, इस पे, तो टेंस पे टिक लगा दो जिसको आपने करना है। अब नेक्स्ट क्या करना है देखो। सेवन से पहले क्या है, जिस पे आपने टिक लगाई थी उससे पहले क्या है, जीरो। अगर तो उससे पहले, जैसे ये है जीरो से लेकर फोर तक हूं, ठीक है ना, तो तब वही आंसर लिख देना है। जैसे 270 ही आंसर आ जाएगा। अब मान लो ये वाला सम है, इसमें जीरो से पहले क्या है, नाइन। अगर फाइव से नाइन तक हो ना, तो जो टेंस वाला अक्षर होएगा ना, उसमें आपने वन ऐड कर देना है। अब जीरो में वन ऐड करोगे तो वन बन जाएगा ना। इससे पहले इधर की साइड पे एट, एट है, और इधर की साइड पे जैसे एक अक्षर है ना, तो हमने एक जीरो डालनी है। ऊपर मैंने क्यों नहीं बोला था आपको एक जीरो डालनी है, क्योंकि सेवन के इधर जीरो ऑलरेडी थी, ठीक है। एक सम और देखो आप, एक सम और देखो, मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे हमने टेंस से करना है, तो सिक्स पे ये टेंस वाला ये बन गया ना सिक्स। अब आपने क्या करना है, सिक्स से पहले क्या है, फाइव। मैंने आपको बोला फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हो ना, अगर ये वाले अक्षर हो, फाइव सिक्स सेवन एट या नाइन हो, तो तब पहले वाले में वन ऐड कर दो। जैसे सिक्स में वन ऐड कर दो तो वो बन जाएगा सेवन, 6 4 7 0। पता लग गया मेरी बात का। इसी तरह यहां पे आपने करना है, टेंस वाला है एट, एट से पहले क्या है, टू। टू तो मतलब फाइव सिक्स सेवन एट नाइन में से नहीं ना आता, तो आपने टू की जगह तो लिख देना है जीरो, और उसके पहले एट सेवन नाइन वैसे ही आएगा। लग गया पता इस बात का। इसमें एट में वन नहीं ऐड करना। मान लो यहां पे होता सिक्स, तो तब आपने क्या करना था, यहां पे नाइन बना देना था। यहां पे तो जीरो रहना ही रहना है, ठीक है ना। टेंथ से पहले तो जीरो ही रहना है। लग गया पता इस बात का। तो ऐसे आपने करनी है। अब इसके बाद ये वाले पार्ट्स जो है ना, चार पार्ट कॉपी कर लो, ये अपने अपने आप करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट हंड्रेड। हंड्रेड तक कॉपी करने हैं। हंड्रेड, इसमें हंड्रेड वाला कौन सा है, वंस टेंस हंड्रेड थ्री है ना। इसमें हंड्रेड वाला कौन है, एट है ना। तो आपने क्या करना है कि यहां पे हंड्रेड वाला थ्री है ना, थ्री से पहले टू है ना, तो इसका मतलब इसने नहीं ज्यादा होना, दो जीरो आ जाएगी। नेक्स्ट सम में एट है ना हंड्रेड वाला, और उससे पहले दो अक्षर है ना, और ये वाला सेवन है ना, इसका मतलब एट का नाइन बन जाएगा और दो जीरो आ जाएगी। अगर हंड्रेड से राइट वाला जो अक्षर है वो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हो, तो पहले वाले में आपने, हंड्रेड वाले में आपने वन ऐड कर देना है। लग गया पता इस बात का। ऐसे आपने करना है। एक सम और देख लो, और अच्छी तरह पता लग जाएगा। यहां पे हंड्रेड वाला नाइन है, और नाइन से पहले क्या है, नाइन। इसका मतलब इस नाइन में आप वन ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, टेन। टेन साथ में दो जीरो में। देखो हंड्रेड से पहले तो दो अक्षर है ना, वो दो जीरो में तो आनी आनी है, और इस नाइन का बन गया टेन। ऐसे आपने ये सम्स करने हैं। नेक्स्ट देखो, ये वाले स्टेटमेंट कॉपी कर लो, ये आपने अपने अप करने हैं। फाइव पार्ट्स जल्दी कॉपी कर लो।
अब नेक्स्ट हम देखो, नेक्स्ट में राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट थाउजेंड, थाउजेंड तक करने हैं। थाउजेंड ये वाला अक्षर है ना, इससे पहले क्या आता है एट, इससे पहले एट आता है ना सेवन से पहले, तो इसका मतलब सेवन में वन ऐड कर दो। मैंने आपको बोला है कि अगर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हो तो पहले वाले अक्षर में वन ऐड कर दो। तो थाउजेंड की जगह पे था सेवन, उसमें वन ऐड कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इससे पहले एट था, अब उसके आगे दो तीन जीरो डाल दो आप। थाउजेंड जब थाउजेंड दिया हो तो तीन जीरो, हंड्रेड दिया हो दो जीरो, टेंस दिया हो तो वन जीरो। यहां पे थाउजेंड में एट आता है ना, थाउजेंड में एट है और एट से पहले क्या है नाइन, इसका मतलब एट में हम वन ऐड कर देंगे, नाइन और सात में तीन जीरो। तो ऐसे आपने ये भी थाउजेंड्स वाले सम्स भी करके रखने हैं। कॉपी करो स्टेटमेंट, एक ये तो ये सिक्स सम्स यहां पे है, कॉपी करो। उसके बाद राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड है ये वाला टू, इससे पहले क्या है जब टेन टेन थाउजेंड लिखे होंगे ना, ये टू टू है ना, इसका मतलब इधर की साइड पे चार जीरो आएंगे, चार जीरो तो आनी आनी है। अब यहां पे हमने क्या लिखना है ये हमने देखना है, ये सेवन है ना तो इसका मतलब टू में वन ऐड कर दो, थ्री, तो चार जीरो तो आपने डाल ली। चार जीरो के बाद एट आया ना, अब एट से पहले क्या है जीरो, इसका मतलब इसमें वन ऐड नहीं होना। यहां पे भी आपने फोर जीरो डाल ली और फोर देखो वन टू थ्री फोर, इनकी जगह जीरो डाल ली और यहां पे फोर दिया है ना, फोर से पहले क्या है सिक्स, इसका मतलब फोर में वन ऐड कर दो तो यहां पे फाइव बन जाएगा। ऐसे हमने करना है, ठीक है, स्टेटमेंट कॉपी कर लो। नेक्स्ट है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड, नियरेस्ट थाउजेंड। अब इसको नियरेस्ट टेंस भी करना है, नियरेस्ट हंड्रेड भी करना है। देखो सबसे पहले आप लिख लो नियरेस्ट टेंस, फिर आप लिख लो नियरेस्ट हंड्रेड्स, ठीक है, फिर आप लिख लेना नियरेस्ट थाउजेंड्स। अब ये देखो आपने कैसे करने हैं, देखो ध्यान से, जब टेंस करना है तो टेंस, ये टेंस करना है तो इसका मतलब एक जीरो आनी चाहिए, हंड्रेड करना है तो दो जीरो आनी चाहिए, थाउजेंड करना है तीन जीरो आनी चाहिए, ठीक है। अब एक जीरो आपने डालनी है, ये इसकी जगह पे जीरो डाल ली, ये क्या है फाइव, तो मैंने बोला फाइव सिक्स सेवन एट आए तो पहले वाले में वन ऐड कर दो, तो टू में वन ऐड कर दोगे थ्री बन जाएगा, उससे पहले तो वन सिक्स ही रहेगा, ठीक है। जब हंड्रेड आपने करना है दो जीरो डाल दी ना, दो अक्षर जे बन गए, इनकी जगह आपने जीरो डाल दी, तो ये वाला अक्षर टू था ना, फाइव सिक्स सेवन एट आए तो तब वन ऐड करते हैं, नहीं तो नहीं, इसका मतलब आप वन ऐड नहीं करना, सिक्सटीन ही डाल देना। थाउजेंड में तीन जीरो हैं, ये तीन अक्षर की जगह आपने जीरो डाल दी, तीसरा अक्षर सिक्स है ना, तो सिक्स तो फाइव सिक्स सेवन एट में से आता है ना, तो वन की जगह आप टू डाल दो। ऐसे आपने करना है, स्टेटमेंट आप कॉपी कर लो, ये स्टेटमेंट कॉपी कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है।